ऐसे ही जगत में नहीं, जगत गुरु जी महाराज रसल स्ट्रीट में चातुर्मास को रहा था कोलकाता, ये लखनऊ मेरे ख्याल 87-88 की बात है। तब से गुरु जी प्रयास कर रहे थे, एक दिन में जा रही थी प्रकाशानंद गुजरात में थे, उनसे कहा छोटी छोटी बहुत सारी मूर्तियाँ बनी, ये कितनी बड़ी मूर्ति बनी, उस समय मठ बन रहा था वहाँ आपका बनारस में तो केदार घाट में, मूर्ति यही रखती थी, उसका नाम ही रख दिया श्री विद्या माँ, साल में एक बार न करती। फिर उसके बाद ये बड़ी मूर्ति उठी जिस समय मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ उसी समय यहाँ पर महाराज ने उसकी स्थापना की। तो ये 2006 में इसकी स्थापना हुई मई में। फिर राज राजेश्वर की कुसुंदरिया और श्री यंत्र का सामो प्रांग पूजन होता है, तो श्री यंत्र जो होते हैं ये उनका आयतन माना जाता है भगवती का। भगवान आदि शंकराचार्य ने उनके मठों में दो चीज़ों की स्थापना की, एक तो की है श्री यंत्र की, जहाँ भी मठ होते हैं शाखा मठ भी होते हैं तब भी वहाँ चंद्रमौलेश्वर की उपासना होती है और राजराजेश्वरी त्रिपुरसुंदरी की श्री यंत्र में। राजराजेश्वर त्रिपुरसुंदरी की उपासना का उद्देश्य होता है कि लोगों में एकता बनी रहे, श्री यंत्र की उपासना का यही फल है ऐक्य रहता, भेद नहीं रहते लोगों में, जैसे कई प्रकार की बातें रहती हैं एक ही परिवार में। आप देखिए एक 80 साल का व्यक्ति उसकी सोच अलग रहती है, 20 साल का व्यक्ति उसकी सोच अलग होती है, एक 50 का होता है उसकी सोच अलग होती है। और जहाँ श्री यंत्र का पूजन होता है, श्री यंत्र के जल का पान किया जाता है, वहाँ लोगों का एक मत हो जाता है। तो इस देश में अनेक जातियाँ अनेक संप्रदाय हैं, भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग हैं, उनमें मत भिन्नता होती हुई ऐक्य रहे, इसके लिए भगवान आदि शंकराचार्य ने मठों में आवश्यक संविधान के अनुसार श्री यंत्र की उपासना आवश्यक कर दी। और दूसरा संकल्प शक्ति होना चाहिए, संकल्प शक्ति किससे आती है, उत्सव से आती है, तो वो चंद्रमौलेश्वर की उपासना होती है, तो चंद्रमौलेश्वर की उपासना से दृढ़ता आती है संकल्प में, और राजराजेश्वरी की उपासना से क्रिया शक्ति आती है। तो संकल्प क्रिया, क्रिया और संकल्प दोनों होते हैं तो कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए आप समझ लीजिए यहाँ मुख्य स्थापना की गई। आश्रम में और क्या क्या चीज, आश्रम का मतलब होता है देखो ये जो आश्रम होते हैं उसमें चार चीजें होना चाहिए, एक तो पाठशाला होना चाहिए, जैसे खाट होती है कुर्सी होती है ना चार पहिए होते हैं, वैसे पाठशाला होना चाहिए, एक पाकशाला होना चाहिए भोजन तैयार किया जाता है, एक यज्ञशाला होना चाहिए और एक गोशाला होना चाहिए, तभी वो आश्रम का स्वरूप माना जाता है। तो अपने पास चारों चीजें, तिथि आते उनको देखते हैं पाकशाला है ही, पाठशाला भी है अपने पास जहाँ वेद मंत्र तैयार किए जाते हैं, यज्ञशाला भी है जहाँ उनका प्रयोग किया जाता है, और यज्ञ की जो सामग्री प्राप्त होती है वो गौशाला, वो भी अपने पास। तो विद्यार्थियों के लिए भी हम लोग पाठशाला चलाते हैं, वो एक उपक्रम है, वेद की रक्षा करना हम लोगों का धर्म है, वो भी करते हैं। गाय की रक्षा के लिए गौशाला है, करीब 70-80 गाय हमारी गौशाला में, और राम बाबा को थी राजा जिसमें उपासना होती है, उनके साथ शिव जी का भी मंदिर है, चंद्रमौलेश्वर के रूप से सिद्धेश्वर महादेव के नाम से।